और बताओ दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? यार आज की इस वीडियो में हम लोग जो गूगल में आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसके जो 3D में रिजल्ट्स आते हैं और जो ऑगमेंटेड रियलिटी में जो रिजल्ट्स आते हैं उस चीज़ों को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अब यार इससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अभी तक हम लोग गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते थे तो वहाँ पर आपको इमेज मिल जाती थी उस चीज़ की, तो उसमें उस चीज़ के बारे में आपको क्लियर आइडिया नहीं आता था। लेकिन अभी मैं रिसेंटली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे वहाँ पर गूगल की ही एक पोस्ट मिली। वहाँ पे दिखाया जा रहा था कि अभी आप चीज़ों बहुत सारी चीज़ों को गूगल पे सर्च करेंगे तो उनका 3D रिजल्ट्स आपको मिलेगा और साथ में ऑगमेंटेड रियलिटी का भी फीचर मिलेगा, जिसके ज़रिए यार आप बहुत सारी चीज़ों को ना अपने रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यार मैंने और भी ज़्यादा गूगल पे सर्च किया, मैंने सर्च किया कि व्हाट ऑल कैन आई सर्च इन 3D ऑन गूगल, तो मुझे और भी ज़्यादा रिजल्ट्स मिले। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ें बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे कि गूगल पे आपको क्या क्या चीज़ें अभी 3D में अवेलेबल हैं और आप उन्हें रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं 3D जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है उसके ज़रिए। तो ये बेसिकली कैसे काम करता है आज इसी वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। अगर आपको इससे पहले पता है इस चीज़ के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ साथ में आइए चालू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग 3D में ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए दोस्तों आपको चलना है गूगल पे। अब गूगल पे जाके दोस्तों अब आप बताइए कि किस चीज़ को आप 3D में देखना पसंद करेंगे, एक लाइव जो सर्च रिजल्ट होता है उसे देखना पसंद करेंगे। तो यार इसके लिए चलो मैं सर्च कर लेता हूँ एक टाइगर को, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम लोग जल्दी नहीं देखते हैं, वर्चुअली जल्दी नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप मैंने टाइगर सर्च किया तो यहाँ पर कुछ मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नीचे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है व्यू इन 3D। अब जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक टाइगर दिख रहा है 3D में। आप इसे दोस्तों अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो एक जैसे एक रियल जो टाइगर होता है यार उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो ये आवाज़ आती है, मतलब ये जो रिजल्ट्स आता है ये टाइगर जैसा आवाज़ भी करता है तो और भी अच्छा लगता है ये चीज़, और इसमें मूवमेंट भी रहता है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू इन योर स्पेस। अब इस पर दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो इस चीज़ को दोस्तों जो ये रिज़ल्ट आया है इस टाइगर को आप दोस्तों अपने स्पेस पे रियल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा एक सेकंड ये टाइम ले रहा है, अदरवाइज़ आपको ये जो रिज़ल्ट है सर्च रिज़ल्ट है आपको यहीं पे दिख जाएगा आपके फ्लोर पे। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये टाइगर का रिज़ल्ट आ गया है। हम लोग इसे एक बार थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा जूम इन है, इसे जूम आउट कर लेते हैं एक सेकंड दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये जो टाइगर है जस्ट मेरे स्पेस पर है, मेरे फ्लोर पर है। तो ये जो चीज़ है यार ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिन्हें आप गूगल पे ये जो मूवमेंट है ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब एक सेकंड थोड़ा और टाइगर बेटे, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लग रहा है जैसे तो आप रियल में किसी चीज़ के साथ में मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर दोस्तों कैसा है कि आप इस चीज़ की यहाँ पर देखिए एक शटर का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। साथ में दोस्तों आप इस पर क्लिक करके इसे होल्ड करके रखेंगे तो आप इसका एक वीडियो भी बना सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक बार किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसे बड़ा अजीब सा लगेगा कि वो भाई टाइगर कहाँ से जिला लिया इसने, तो ऐसी चीज़ें। अब साथ में दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप गूगल पे दोस्तों सर्च कर सकते हैं। अब साथ में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर गूगल में 3D पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों लैंड एनिमल्स हो गए, तो लैंड एनिमल में दोस्तों जैसे अभी हमने टाइगर को सर्च किया था वही इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पांडा, लियोपार्ड, गोट और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्हें आप सर्च कर सकते हैं। वेटलैंड एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए दोस्तों, हाउस पेट हो गए जैसे कैट हो गया, या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी के कुछ टर्म्स हो गए, कल्चरल हाइट हेरिटेज साइटेज हो गए कुछ यहाँ पर। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी ऐसी साइटेज हैं जो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें एक गेटवे ऑफ इंडिया मुझे मिल रहा है जो कि अपने यहाँ का है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपको दोस्तों उनका 3D में रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले टाइगर का रिजल्ट देख रहे थे, तो उन्हें आप रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को यार ज़रूर आप जाके गूगल पे एक बार ट्राई कीजिएगा। तो यार दोस्तों इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे गूगल पर 3D में उनके रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको, और वर्चुअल जो ऑगमेंटेड रियलिटी होता है उसके थ्रू आप चीज़ों को रियल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने प्लेस पे किसी चीज़ को रियल में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। आप जाकर गूगल पे बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके जिसके लिए आप क्यूरियस हो ज़रूर सर्च करके देखिएगा कि उसका 3D रिजल्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही यार। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा,
मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।